स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में, जिसमें आज हम एक नई वैकेंसी जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पीएबी व्यापम की ही वेबसाइट से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। इसी के वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं वन क्षेत्रक कार्यपालिक पहला जो दिया हुआ है वन विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई है। अब वन विभाग के अंदर किस पोस्ट की वैकेंसी है, और पोस्ट है एक वन रक्षक के और एक है वन क्षेत्र रक्षक की, यह है वन विभाग के स्तर से। इसी के साथ एवं जो एक और विभाग दिया गया है वह है जेल विभाग। जेल विभाग के अंतर्गत एक जो वैकेंसी है जेल प्रहरी की है एवं सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालिक पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2022-23। तो जैसा कि हमने देखा वन विभाग के अंदर वैकेंसी आई है, इसी के साथ जेल विभाग के अंदर वैकेंसी आई है, जिसमें दो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, पोस्ट दिए हैं। वन विभाग में वन रक्षक, वन क्षेत्र रक्षक, इसी के साथ में जेल विभाग में जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक की वैकेंसी इसमें दी गई है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो बताई गई है वह तिथि है 25/1/2023, मतलब 25/1/2023 से इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इसी के साथ में इसकी लास्ट डेट जो दी गई है वह दी गई है आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो दी गई है 8/2023, मतलब 8 फरवरी 2023 तक हम इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब वन विभाग और जेल विभाग के अंतर्गत अगर आपको जॉब चाहिए तो आप 25 जनवरी 2023 से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप 8 फरवरी 2023 तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आवेदन पत्र में संशोधन करना है आपको, संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 25/1 से स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ में आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वह रहेगी 13/2/2023, मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं आप 8/2023 तक, और अगर कुछ गलती हो जाती है, कोई त्रुटि होती है, तो आप 13/2023 तक इसको अपडेट करवा सकते हैं। इसी के साथ में अगर परीक्षा की बात की जाए, वन विभाग और जेल विभाग में जो वैकेंसी आई है उसका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वह एग्जाम या परीक्षा का दिनांक व दिन जो रहेगा वह रहेगा 11/5/2023 से प्रारंभ हो जाएंगे, मतलब 11 मई 2023 से इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अलग अलग डेट पे आपके होंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी वन विभाग और जेल विभाग की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में। आइए और जानकारी हम इसकी प्राप्त करते हैं। वन विभाग और जेल विभाग की जो वैकेंसी है, अगर हम उसकी परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क जो अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए जो रहेगी 500 रुपये प्रति प्रश्न के अनुसार रहेगी। इसी के साथ में यह हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, इसी के साथ में अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही है। इनकी जो फीस रहेगी 250 प्रति प्रश्न के हिसाब से रहेगी। इसी के साथ में सीधी भर्ती जो रहेगी बैकलॉग की वह रहेगी, उसका कोई शुल्क नहीं होगा। तो यह रही शुल्क की बात। अगर हम इसके आगे ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि हमने पता है जो एग्जाम स्टार्ट होगा 11/5/2023 से 11 मई से हमारा स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम, तो प्रथम और द्वितीय दो पाली रहेंगी। प्रथम पाली पे पहुंचने का समय आपका 8 से 9 के बीच रहेगा रिकॉर्डिंग टाइम, द्वितीय पाली में 1 से 2 के बीच में रहेगा। निर्देश पढ़ने का जो समय पहली पाली में 9:50 से 10 तक 10 मिनट का रहेगा, इसी के साथ में 2:30 से 3 तक सेकेंड पाली में 10 मिनट मिलेंगे आपको निर्देश पढ़ने के लिए। और जो आपको एग्जाम देना है 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम पाली और द्वितीय पाली में 3 से 5 बजे तक रहेगा। तो यह निम्न समय दिया गया है, इसके अनुसार ही आप टाइम पे पहुंचे ताकि आप लेट ना हो।